हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया आपका नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और बहुत दिनों बाद वाले ब्लॉग के अंदर। वजह सीन कुछ ऐसा है कि यार मेरी वो थी तबीयत थोड़ी ख़राब। आपको पता है जिस तरह कराची में सर्दियां होती हैं उस हिसाब से तबीयत क्या चल रही होती है, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। इतने दिनों बाद आए हैं, और अभी का कुछ सीन ऐसा है कि अभी हो रहा है। अबे ये तो घड़ी ख़राब है। अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं, और 2 बजे मैं उठा हूँ क्योंकि यार मैं रात को लेट सो रहा हूँ आजकल। और लेट क्यों सो रहा हूँ उसकी वजह है क्योंकि यार तबीयत थोड़ी ख़राब होती, रात को नींद नहीं आती, सुबह लेट उठता हूँ। तो इंशाल्लाह रूटीन जल्दी अच्छी करेंगे, और सुबह सुबह ये ब्लॉग निकालने के, और अभी बहुत टाइट वाले ब्लॉग निकलने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम हो सकता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे पंजाब, और पंजाब जाके इंशाल्लाह कवर करेंगे। पंजाब में बहुत टाइट टाइट ब्लॉग निकालेंगे, और पंजाब से आने के बाद भी एक और शुगल है मेरे साथ, मेरे पास बहुत प्यारा शुगल है, और उस शुगल में हम जाएंगे पाकिस्तान से बाहर। आपके भाई ने दे दिया पासपोर्ट बनने के लिए, तो पासपोर्ट अगर बन के आ गया पहले, पासपोर्ट तो अभी बन के आ जाएगा, कल परसों तक मैं ले आऊँगा। पासपोर्ट बन के आ जाएगा, फिर पंजाब से आने के बाद वहाँ चलेंगे घूमने फिरने के पाकिस्तान से बाहर। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो चलते हैं छत की तरफ। तो अभी अभी छत से पहुँचे। अबे भाई साहब, मैं खुद इतने दिनों बाद आया हूँ छत पे। ये तो पिंजरे आपने देखे हुए थे ना, ये देखें सारे पिंजरे भरे हुए मुर्गों से, और ये देखें इधर भी नए पिंजरे बने हैं लकड़ी के, और ये भी मतलब 3-3 के 6 पिंजरे, और ये भी भरे हुए हैं। चेक करें आप, मुर्गा मुर्गी, और इसमें ओ ये कैसा मुर्गा है, चेक करें नस्ल, चेक करें वो काली आँखों वाला मुर्गा, ये देखें मुर्गी की शक्ल दिखा दो। ओए होए हो, ये भी वे क्या मुर्गे लाए, चेक कर रहे हैं हम, और शोर मचाया हुआ सारे, पूरा पिंजरे हमारे समझ लें ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 14 14 और 6 20, 20 पिंजरे, दो इधर भी बने हुए हैं समझ लें 22, और दोनों के अंदर मुर्गी है। चेक कर रहे हैं भाई, फुल लेवल हुआ है, और सुबह से शाम तक इन्होंने शोर मचाया होता है। वो तो धूप लगाने के लिए रखे हुए ये वाले, और दाना भरा हुआ इनके लिए, इतना दाना खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। दाना भी दाना डालेगा इन सबको, बल्कि डला हुआ तो है दाना इन सबका। ऐसा करो आप कि ना जो इनके ये जो पानी वाले हैं ना, ये जो गंदे हुए हैं, इसको धो के ना क्या नाम है वहाँ रख दो, धो के डाल दो, पानी साफ करके डाल दो, ठीक है, दाना डला हुआ है ना पानी साफ करके डाल दो। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत लेवल की चीज़ है जो चाचू लाए हैं, मैं आपको दिखा दूँ पक्की बात है। ये देखें, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, ये है ऑटोमेटिक जिसमें अंडे मतलब डाल के बच्चे निकालते हैं ना, वो है। चेक कर रहे हैं यहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही है, सन यहाँ से पर्दा आगे करो सही से, थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा इधर चिपको, अब आपको सही दिख रहा होगा। ये देखें यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ठीक है, यहाँ से इसका वो टेम्परेचर जो सेट करना है, ये टेम्परेचर खुद ही सही करता है। और चेक कर रहे हैं, और अंदर से देखें आप, इसके अंदर आता है पानी, तो और पानी डाल के फिर इधर अंडे रखते हैं 28 के 22 दिन में बच्चे निकलते हैं, और फिर बच्चे डालते हैं। जब बच्चे निकलते हैं ना तो बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि ये निकलते हैं क्या नाम है, मुर्गी तो मुर्गी को बिठाते नहीं है, तो निकलते हैं मशीन से, तो मुर्गी इसको अपनाती नहीं है, तो इसलिए फिर इसमें डालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी मैं आपको बताया था, इसमें जब बच्चे डालते हैं ना, तो बच्चे होते हैं छोटे, उनको मतलब हीट चाहिए होती, सर्दियाँ आपको जिस वजह से पता सर्दियाँ, तो देख रहे हैं बल्ब लगाए हुए, तो इस वजह से उनको हीट मिलती है, पानी वगैरह जब थोड़े से बड़े होते हैं फिर निकाल देते हैं इसके अंदर से। ये सारा सीन है, और अभी करेंगे, अभी बच्चे जब अंडे डालेंगे ना, अंडे डाल के रखेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अंडे वगैरह, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अंडे वगैरह किस तरह रखें और क्या क्या कुछ करें। तो अभी का कुछ सीन ऐसा है कि अभी जाना है यार कॉलेज से भी चक्कर लगा के आएंगे आज, क्योंकि इनरोलमेंट फॉर्म आए हुए हैं, उसको जाके जमा कराना है, वो भी करवाएंगे,
और सेंटर भी जाएंगे, सेंटर में भी थोड़ा शुगर मेला लगाएंगे, इंजॉय करेंगे आज के पूरे ब्लॉग को, और उसके बाद इंशाल्लाह रोज़ ब्लॉग आएंगे, इंशाल्लाह रोज़ आएंगे। और अभी पंजाब भी जाएंगे, पंजाब भी एक्सप्लोर करेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे अपने साथ साथ। उसके बाद बाहर पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे, अभी पासपोर्ट बन जाए, फिर मैं पासपोर्ट लग के जब वीज़ा लग जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी अभी मैं इधर बैठा हुआ था चरपाई पे ना, धूप मतलब सर्दी लग रही थी, धूप में बैठा हुआ था, तो अभी अभी दोस्त की कॉल आई है, वो बोल रहा है यार कॉलेज तो बंद है आज क्योंकि इलेक्शन हुए थे कल संडे को, तो आज मंडे है तो उस वजह से कॉलेज ही बंद है, तो नया पंगा कॉलेज जाना था आज और कॉलेज ही बंद है। अब इनरोलमेंट जमा कराना है, रात को जाऊँगा सेंटर से, दोस्त आएंगे उनके पास आज जाऊँगा, इनरोलमेंट भरवा के रख लेंगे, फिर कल या परसों जाके चक्कर लगा के जमा करा देंगे एक दफ़ा, ताकि यार एक दफ़ा जो काम होना है वो होके ख़त्म हो जाए। अभी चलते हैं नीचे की तरफ यार, अभी अब सीन ऐसे कि अभी मैं जा रहा हूँ सेंटर, और सेंटर से आके सेंटर में थोड़ा शुगर में लगाते हैं, अब्दुल्ला को लेना है और कुछ शुगर में लगाते हैं, उसके बाद आके सेंटर से आके भी थोड़ा शुगर में लगाएंगे। अभी लिटरली मुझे कुछ नहीं दिख रहा नीचे, आँखों में लाइट पड़ रही है ना मोबाइल के नीचे, कुछ दिख रहा ही नहीं है, अंदाज होता रहा हूँ नीचे। चले चलते हैं सेंटर, अभी अब हमारी छुट्टी हुई और अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये भी हमारे ब्लॉगर भाई हैं, इनका भी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। अबे रख दे भाई, बहुत जल्दी है तेरे को तो, गजब बेइज्जती है। ओवरटेड हो बैठे में भाई, चिप्स खा रहे हैं और रश हुआ है, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है, हम एंजॉय कर रहे हैं चिप्स को और रश को। तो अभी का कोई सीन ऐसा है कि अभी हो गई है रात, और बहुत ज़्यादा रात हो गई, और टाइम देखिए 1:15 से भी ऊपर हो गया, 17-18 हो गए, और रात के अभी बज रहे हैं 1 रात के, और मैं अभी व्लॉग का क्यों एंड कर रहा हूँ, मैं सेंटर से आया था यार, बहुत थका हुआ था, खाना वगैरह खा के सो गया, मैं दिखा नहीं सका क्योंकि मोबाइल चार्ज भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी उस टाइम, तो थोड़ी देर पहले उठाऊँ अभी, और अभी मैंने व्लॉग भी एडिट करना है और अपलोड भी करना है, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा कल सुबह, सुबह या दोपहर में इंशाल्लाह हो जाएगा। और सारे सो रहे हैं, देखें सारे सो रहे हैं इस टाइम, और हम भी सोते हैं यार, मेरे को भी नींद आ रही है, मैं ब्लॉग एडिट करके बस सो जाऊँगा, मैं भी 1-2 बजे तक सो जाऊँगा क्योंकि सुबह मैंने जाना भी है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड भी करते हैं, और आपसे एक और बात, आपको एक और बात बतानी थी कि मैं कुछ 1-2 दिनों में Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाके सेकंड पोस्ट मैंने करी हुई Q&A की, उसमें आके जो जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से जाके कमेंट में आके पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। और इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ उतनी, तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो यार वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और उसमें आके कमेंट कर देना अच्छा था कोई, आपका भाई आपको रिप्लाई दे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह, एंड करते हैं यहाँ पे ब्लॉग को, ओके, अल्लाह हाफिज़।